बहुत चिंता करते हैं मातृशक्तियों का। 8 महतारी सदन की स्वीकृति आपने दी है, उसके लिए भी स्वीकृति प्रदान की है, और साथ ही किसानों की भी चिंता करते हैं, तो 3 किसान भवन ऐसे आपने स्वीकृति प्रदान की है। पूरे जगदलपुर विधानसभा के प्रत्येक यहां से जनता की ओर से, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं है, बहुत सारा विषय है और कागज भी रखा हूं मैं डिटेल बहुत सारा कि इस आज के इस विषय पर रखूं, लेकिन ये अवसर है कि हम सब हमारे आदरणीय मंत्रीगणों को सुने और आदरणीय मुख्यमंत्री को सुने। पुनः मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री केदार कश्यप जी का, हमारी आदरणीय मंत्री महोदया और जिनके आज ये उस महिला बाल विकास की मंत्री हैं, महतारी वंदन के कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके लिए मंचस्थ सभी और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए, और निश्चित रूप से लगातार इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन, इस तरीके की योजनाएं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, मोदी जी की गारंटी की योजनाएं लगातार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और बस्तर को, जो आपने प्राथमिकता के साथ आज उसका चयन किया, आज यहां पर बस्तर वासियों के बीच में आकर जिस तरीके से इन सारी योजनाओं को आपने लोकार्पित किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपने शब्द अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं माननीय श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन।